लगातार 15 सालों तक दिल्ली में एक सस्त्र राज करने वाली कांग्रेस बीते दशक से बुरे हाल में है। लगातार दो बार से लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस शून्य पर रही है। अब ऐसे हालात में अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली सरकार की कमान दी गई है। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस और आपकी स्थिति को लेकर जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन बीते एक दशक की तुलना करें तो एक बड़ा बदलाव लोगों में नजर आ रहा है। पहले संगठन की हालत अच्छी थी, लेकिन लोग हमारे नेताओं की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब उल्टा है, लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा संगठन मजबूत नहीं है। ऐसे में अब पहली चुनौती कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की है, उसी के प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में अकेला नहीं हूं, सभी नेता मेरा सहयोग कर रहे हैं, आगे बेहतर होने की उम्मीद है। बता दें जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन के साथ उतार चढ़ाव होता है। बीजेपी के भी एक वक्त में देश भर में दो सांसद रहे थे, ऐसे में हम अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अब तो लोग प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों सरकारों से लोग निराश हो गए हैं। सबसे बड़ा नुकसान दिल्ली वालों का ही हुआ है। ग्रीन सिटी कहलाने वाला उनका शहर प्रदूषित हो गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट धाराशायी हो गए हैं, 42% युवा बेरोजगार है। कोविड में तो जो हुआ सो हुआ, उससे भी दोनों सरकार ने सीख नहीं ली। वो अब भी ऐसी कोई तैयारी नहीं कर पाए कि फिर आपदा आए तो दोबारा कोविड वाले हालात ना बने। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इन विपरीत हालात में संगठन को कैसे मजबूत करेंगे तो इस पर उन्होंने कहा कि हमारी माइक्रो लेवल पर तैयारी है। अब ब्लॉक अध्यक्ष से भी नीचे पहुंच रहे हैं, हर ब्लॉक के नीचे पहली बार मंडलम और सेक्टर अध्यक्ष बनाने का काम कर रहे हैं ताकि जमीनी स्तर पर काम कर सके। पार्टी के सभी नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, दूसरे दलों में गए नेताओं की वापसी कर रहे हैं, संगठन एक्टिव हो रहा है। जब उनसे आम आदमी पार्टी इंडिया का हिस्सा बन गई है, अब आप उनका सहयोग करेंगे या नहीं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंडिया का क्या स्वरूप होगा इसका अब तक मुझे नहीं पता, ये हाईकमान का फैसला है। आपके साथ सहयोगी होंगे या नहीं ये बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली के हितों को लेकर आवाज़ उठाते रहेंगे। आप सहयोगी हो या विरोधी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।